friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on systemic lupus erythematosus. Friends, previous video में मैंने ILD के बारे में discuss किया था. अगर आपने उस video को नहीं देखा तो पहले उस video को भी ज़रूर देखिएगा. इससे आपको SLE को समझने में आसानी होगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. इससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस. सिस्टेमिक मीन्स अफेक्टेड मल्टीपल ऑर्गन. ल्यूपस मीन्स डिजीज अफेक्टिंग स्किन. एरिथेमेटोसस मीन्स रेडनिंग ऑफ स्किन. फर्स्ट पॉइंट है ऑटो इम्यून डिजीज विच कॉजेज मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट. एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स, किडनी, सेरोसल मेम्ब्रेन, हार्ट, ज्वाइंट. मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मल्टीपल्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, किडनी, सेरोसल मेम्ब्रेन, हार्ट एंड ज्वाइंट्स. नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फैक्टर. फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर. पेशेंट इनहेरिटेड डिफेक्टिव जीन्स. मीन्स पेशेंट में डिफेक्टिव जीन एंसेस्टर पूर्व से ही आते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है वैसे लिम्फोसाइट्स जो खुद से ही रिएक्ट करने लगते हैं. सेकेंड है एनवायरमेंटल फैक्टर. एग्जाम्पल है सनलाइट, ड्रग, वायरल इन्फेक्शन विच हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट. इन सब से भी जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है. थर्ड है फीमेल सेक्स. मोर कॉमन होता है फीमेल में. फीमेल सेक्स हार्मोनिक फैक्टर है बट इसका रोल पैथोजेनेसिस में अननोन है. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ SLE. इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट. सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट. जैसे कि मैंने बताया था जेनेटिक डिफेक्ट हमारे एंसेस्टर से आते हैं बॉडी में, और जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं वो खुद से ही रिएक्ट करने लगते हैं. सेकेंड पॉइंट है सम एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक वायरल इन्फेक्शन, सन एक्सपोजर, ड्रग की वजह से सेल एंड न्यूक्लियोप्रोटीन में डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से जीन में बदलाव होने लगते हैं. नेक्स्ट है एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी लिम्फोसाइट कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड. मतलब एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट पे, जिसकी वजह से खुद से ही लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज फॉर्म होता है. नेक्स्ट है इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड विच आर डिपोजिटेड ऑन वेरियस ऑर्गन. इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वो डिपोजिट होता है वेरियस ऑर्गन पे, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते और टिश्यू डैमेज करता है. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ SLE. एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस. देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स एंड इट हैज फॉलोइंग फीचर्स. मतलब इसमें स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके फीचर्स फर्स्ट है पेरीवैस्कुलर WBC, इन्फिल्ट्रेशन, फिब्रोनाइट डिपोजिशन एंड नेक्रोसिस. नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ ड्यू टू इंजरी. सेकेंड है किडनी इन्वॉल्वमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी का किडनी इन्वॉल्व होता है. इसमें क्या होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में डिपोजिशन होने लगता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का, जिसके कारण प्रोटीनूरिया मीन्स एबनॉर्मल क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूरिन में, एंड हिमाटूरिया प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, और किडनी फेल्योर भी हो सकता है. नेक्स्ट है ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट. इम्यून कॉम्प्लेक्स मीन्स जब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स. तो ये डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट के सिनोवियल मेम्ब्रेन पे, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है. फोर्थ है CNS इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन कॉज मल्टीपल इन्फार्क्ट्स. ब्रेन के बहुत सारे ब्लड वेसल्स इंजर्ड होते हैं क्योंकि ब्लड की कमी की वजह से ब्लड वहाँ तक सही से नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से न्यूरोसाइकाइट्रिक सिम्टम, कन्वर्जन एंड साइकोसिस डेवलप होता है. नेक्स्ट है सेरोसेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट. अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोज हो जाए पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ हार्ट एंड प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स पे, इसके कारण पेरिकार्डाइटिस एंड प्लूराइटिस डेवलप होगा और ये काउज करेगा इफ्यूजन मीन्स एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड. सिक्स्थ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट. हार्ट में मेनली पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होता है. कुछ केसेस में इंडोकार्डियम, हार्ट वॉल्स भी इन्वॉल्व होते हैं. वाल्वुलर लिजन को लिबमैन सैक इंडोकार्डियाटिस भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. SLE क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है. इसमें इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है. हमारे ब्लड में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाती है. इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल को डैमेज करने लगता है. ये फीमेल में चाइल्ड बियरिंग एज में ज़्यादा होता है. बिटवीन 10 to 50 ईयर्स एज की फीमेल अफेक्टेड होती हैं. नेक्स्ट है काउजेस ऑटो इम्यून, जेनेटिक काउज, मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा. एनी मेडिकेशन किसी मेडिसिन से हो सकता है. सनलाइट एक्सपोजर, यूवी लाइट,
से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, मसल वीकनेस, जॉइंट पेन, रिस्ट एंकल जॉइंट, ब्लर, प्रॉपरली नो स्टेप फिंगर तक नहीं पहुंच पाता है, वो एरिया वाइट और ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है एनेमिया, हेयर फॉल, पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन इन हार्ट, लंग्स इन्फ्लामेशन, प्लूरल इन्फ्यूजन, फोटो सेंसिटिविटी, प्रॉब्लम विथ लाइट यूवी रेज, यूवी रेज से भी इसमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करने का एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि उसके नोज पे एक बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस, रेडिश पैच दिखेगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस के लिए, स्टेरॉइड क्रीम देंगे रैशेज में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर सके, एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे स्किन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम में। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।